माइनॉरिटी का जो रिजर्व सीट पे था एक लोटा रमेश कुमार वांकवानी, उसके लिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ। एडवोकेट सरवन कुमार भील, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट अलायंस। शेड्यूल कास्ट वो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, हिंदू बरादरी में अक्सरियत वोट रखने वाले 95% वोट रखने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और कानून का पहला मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल था, ही बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी अपना चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी हुई है कि 95% हिंदू बरादरी में शेड्यूल कास्ट के लोग वोट रखने वाले हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों पर एक ही दादे के पोते जो ATMs है, ATMs के जोर पर वो हमारी सीटों पर वो काब्ज है। इस वक्त नेशनल असेंबली में कोई भी शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं है, जबकि सेंसस कहती है, आदमशुमारी की रिजल्ट भी है पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर अक्सरियती 8.5 लाख पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की, उसमें भी कोई शेड्यूल कास्ट का नुमाइंदा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर रमेश वांकवानी, जो हमारे सब पाकिस्तान के हिंदू का जो ठेकेदार बना हुआ है, उसके हिंदू काउंसिल के अंदर भी कोई शेड्यूल कास्ट का मेंबर भी नहीं है, नहीं कोई फैसला को उनके अंदर है। ये एक ही दादे के पोते हैं, हिंदू के नाम को इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी यहाँ पे अपोज किया है कि अक्सरियती वोट हमारे शेड्यूल कास्ट का है, और हमें भी नुमाइंदगी दी जाए, और हम भी अपने कम्युनिटी के लिए भरपूर यहाँ दफा करेंगे। और जो एक ही दादे के पोते हैं पाकिस्तान की सब सियासी पार्टियों पर जो काब्ज हैं, उनसे हम जान छुड़ा के जो आने वाले हमारे नस्ल बचाने के लिए, आप साफ ही बहरों के सामने हैं कि सिंध थरपार करेंगे, बहुत सारे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के अहम इशू पर किसी पोलिटिकल पार्टी की नज़र नहीं है, इस वजह से हमारे नस्ल तबाह हो रहे हैं। हम अपने नस्ल बचाने के लिए मैं सिंध से यहाँ पर पहुँचाऊँ और कंटिन्यू अपनी कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। शुक्रिया साफ बहरों का, थैंक यू।